हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में हम रैंक को कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रैंक हमें निकालना है और रैंक कैसे कैलकुलेट होगा इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए इज इक्वल टू का निशान लगाया, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला तो एक्सेल में इज इक्वल टू के निशान से ही शुरू होता है। सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं और यहाँ पर आप ड्रैग करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो सेल एड्रेस भी डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बंद किया इसको, एंटर प्रेस किया, यहाँ टोटल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी ई आर ए जी ई, तो ये एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा। एवरेज का बना बनाया फॉर्मूला होता है एक्सेल में। आपको केवल सब्जेक्ट्स के नंबर ही लेने हैं, टोटल वगैरह नहीं लेना है। एवरेज कैलकुलेट करते समय एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये एवरेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर बारी है रैंक निकालने की, तो इज इक्वल टू रैंक फॉर्मूला लगा लेता हूँ इस तरीके से। और अब हमें रैंक निकालना है, तो रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल को पहला वाला जो है इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दे दीजिए और इसी में रैंक निकलेगा। तो ये पूरा सेलेक्ट कर जाइए टोटल वाला। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें एक समस्या दिक्कत ये है कि इसको हमको फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, ये जो टोटल है, ये जो टोटल यहाँ हमने लिया है, इसको हमें फिक्स करना होता है। ये फिक्स कैसे होगा, पहले मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर नौवीं रैंक आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ F2 प्रेस करता हूँ और अब इस पार्ट को सिलेक्शन में ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर कीबोर्ड से F4 फंक्शन बटन प्रेस कर देता हूँ ताकि रो और कॉलम जो है ये फ्रीज हो जाए, ये क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, यानी एब्सोल्यूट सेल एड्रेस ये बन जाए। और अब एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ राम की रैंक देख रहे हैं, ये इनकी रैंक जो है नौवीं रैंक है। यहाँ पर मैं इसे एक अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये देख सकते हैं राम की रैंक है और ये 9 नंबर रैंक इन्होंने हासिल किया है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ चला जाता हूँ कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि जिनका सबसे ज़्यादा नंबर है वो है श्याम और इन्होंने 73% मार्क्स गेन किए हैं। और अगर इनके हम बात इनकी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो रैंक है वो पहला रैंक है। इसको भी मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। श्याम का रैंक जो है पहला रैंक है। इसी तरह से दूसरा रैंक किसका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हीरा है और हीरा का दूसरा रैंक है। यहाँ पर इसे मैं एक अलग कलर प्रोवाइड करता हूँ और यहाँ पर इसे भी मैं एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया इसे ब्लैक कलर। तो यहाँ पर इनकी रैंक जो है दूसरी है। और इसी तरह से तीसरे रैंक की बात करें तो ये राहुल की रैंक है, ये देख सकते हैं ये तीसरी रैंक पे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इनकी रैंक तीसरी रैंक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसे मैं इसे भी एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए तो ये तीसरी रैंक है। फिर चौथी रैंक इनकी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये चौथी रैंक है, ये देख लीजिए आप। तो ये चौथी रैंक इनकी हो जाएगी, ये देख सकते हैं। इसी तरह से पांचवी रैंक इनकी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये संजय है, इनकी रैंक पांचवी है। तो नंबर के हिसाब से ये कैलकुलेट होता चला गया है। आई होप कि बात समझ में आई होगी कि ये रैंक फार्मूला कैसे काम कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।